हेलो आरती, हाउ आर यू? की अलग ही मजे हैं खेती बाड़ी में आराम से। मम्मी की कुमकुम देखो कैसी लग रही है। तब तक के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ फोटोज। मम्मी कैसी लग रही है फोटोज? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दुल्हन शर्मा गई। हे दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भर प्रणाम। स्वागत करती हूँ आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्यचर वैली में और अपनी मध्यचर वैली के प्यारे से गांव बटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। चलो एक नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं और नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। आजकल हमेशा ब्लॉग की शुरुआत ज़्यादातर किचन ही से हो रही है क्योंकि मैं आजकल सुबह ही जल्दी ब्लॉग स्टार्ट कर दे रही हूँ। और आज हमारे घर में आने वाले कोई खास पर्सन जो कि मैं कल के ब्लॉग में बोल चुकी हूँ और जिसने कल का ब्लॉग देखा उसे पता हो गई। तो मेरे भाई का भी एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज के, तो कॉलेज जा रहे हैं और वो भी आएगा आज। तो धीरे धीरे बने रहिए, वैसे तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल जाएगा कौन आया है, पर चलो बताई देती हूँ, छोड़ो क्यों इतना पेशेंस रखना। तो दीदी आ रही है आज, मेरी दीदी अपने ससुराल से अपने मायके आ रही है, तो बने रहिए। अभी आज जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ कैप्चर करूँगी। और ये बता दो ना, आजकल ना इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है दोस्तों, सीरियसली मतलब इतने दिन हो गए हैं बारिश नहीं आई है। मैं कहती ना हमेशा शाम को यहाँ बारिश आती है, पर और आजकल कहीं दिनों से बारिश नहीं आई है, तो रात को भी उमस हो रही है। और मुझे जब उमस होती है ना, सबसे पहले मेरे पाँव के नीचे बहुत ही जैसे पैर जलते हैं, और कुछ नहीं बचा रहता, मुझे यही प्रॉब्लम होती है, मैं दीवार पर पाँव लगा के सोती हूँ। तो यही चीज़ है, आपके यहाँ कितनी गर्मी हो रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। तो जब अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि हमेशा की तरह मम्मी खेती में जा रखी है, सुबह उठ के मम्मी खेत में चली जाती है, फिर मम्मी नाश्ता करने आती है। तो अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, किस किस को पसंद है। चलो दोस्तों बाद में मिलते हैं, सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप ला गए पहले से कई। हेलो हेलो बेटा, कैसे चल रहे हैं यार? कुछ काम करते हुए महिलाओं के लिए घर लाया जा रहा है जूस। तो दोस्तों मतलब मम्मी ने मुझे बोला था कि पानी और जूस लेकर आना, जैसे ही मैं पहुंची इधर से ताऊ जी भी पहुंच गए और यहाँ इनके लिए जूस और पानी लेके आ गए। तो ये पानी ला गई हूँ मैं, पकड़ा ये दो बोतल जूस और ये दो बोतल जूस की ला गई फैंटा एक मिरिंडा। पूरा जो कि मंडवा होता है उसमें गुड़ाई करने पे मंडवा और भट्ट यहाँ लगे हुए इस खेत में। दोस्तों जूस पीने के चक्कर में बात भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये तो देख जाओ तो मिटो का नाम इतना भरे गाड़ है तो पानी छम। ये जूस देखो पूरा तो पानी भी लग के खाना था। तो दोस्तों एक गिलास में यहाँ पे जूस नहीं था ना, तो उसे मामी जी पी रही थी, तो कह रहे कि से फुंडा वाले, मतलब एक में जूस नहीं आया था, वो उसी को पी रहे थे। तो पानी के तौर पे भी तो पी सकते थे यार, फेंक दिया तो पहले ही। पानी की इतनी समस्या है, कैसे फेंक रहे हो तुम? कुछ बोल दीजिए, अब पानी तो पी लिया, गले में पानी तरावट आ चुकी है। दोस्तों को कहते हैं ना, या तो कुछ भी ना मिले या तो मिले छप्पर फाड़ के मिले। यहाँ पे जस्ट मैं भी लाई पानी और जूस, मैं इधर से दूसरे ताऊ जी भी लाए इनके लिए पानी और जूस, इधर से नानी भी आ गई है। नानी जी, नानी जी ला गए मोमो। आरती हाउ आर यू? सभी को करो, यूट्यूब फैमिली को करो, सब यूट्यूब चैनल वालों को, सबको जो है मेरा सुबह का प्रणाम। प्रणाम नानी को नहीं कहना चाहिए, नानी बड़ी है, हमसे सपोर्ट करते रहो, नानी बड़ी है, नानी को आशीर्वाद देना चाहिए। तो यहाँ देखो वाला और जूस पी रहे हैं, इतनी गर्मी हो गई है जूस पी रहे हैं। हम अब्बल वीर भैया भी लेंगे और मुझे वहाँ ऊपर जाना है, इनके चक्कर में ना मुझे लेट हो जाएगी। तो गाइस लगे रहो तुम सब, कैरी ऑन पार्टी करो, मस्त करके मोमो खाओ, जूस पियो, मिरिंडा ड्यू सब कुछ पियो, ठीक है? ये अलग ही मजे हैं खेती बाड़ी में, आराम से मोमोज और मिरिंडे का आनंद ले रहे हैं, जूस का आनंद ले रहे हैं, उसको बेच रहे हैं और खेत में मोमो खा रहे हैं। ये पूरी खेती जो है ना ये मंडवे की है, पूरी खेती, इसे कोदा बोलते हैं, ये पूरी खेती मंडवे की है। थोड़ी थी ना मेरी दीदी आ रही है, तो ये रही। हेलो दीदी। दोस्तों ये देखो ये ऐसी करती है, फिर बोलते दीदी को दिखाओ, दीदी दिखाने लायक भी है, बात तो करती है नहीं। कितनी गर्मी हो रही है आपको? आज मेरा पाँव मुड़ गया यार, पाँव मोड़ी
चल भी नहीं पा रही वो का मोड़ी सारे मोड़ पा मतलब घर ही पर रह के ये पाँव मोड़ रहे हैं ऐसे हालत है इनके क्या बोल सकते गर्मी कितनी है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी क्या बताएं मतलब इतने दिन बारिश नहीं आई ना उमस से इतनी हालत ख़राब हो रही क्या ही बोलें मैं तो आजकल हमेशा घर में आइसक्रीम ला रही हूँ खाने के लिए तब जाके थोड़ा ठंडक मिल रही है घर पहुँच चुकी हूँ दीदी भी आ गई है पर दीदी आपको थोड़ी देर में हेलो हाई करेगी जब उसका मूड होगा वो अपने मतलब कुछ होते ना मूडी लोग कोई होता है कैमरा सारी मतलब कैमरे के सामने नहीं आते तो इसी टाइप की है तो दोस्तों यहाँ पर ये है आज की आइसक्रीम तो खाते हैं आइसक्रीम मस्त मार के और यहाँ मेरी दीदी जी से मिली है तब तक ना जब तक आइसक्रीम देखते हैं तब तक के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ फ़ोटोज़ ये देख रहे हो पहचानो इन्हें कौन है ये सूरती मूर्ति पहचानो और ये लड़की कौन है ये छोटी सी बताओ और ये कौन है और इस लड़की को बताना ये कौन है और यहाँ पर ये तीनों कौन है तीनों को बताना तीनों दिख रहे हैं सारे लोगों को तो पता नहीं चला हाँ मतलब मैंने इतनी हिंट भी दे दी आप लोगों को तो टेंटन है ये कौन है ये लड़की कौन है ये लड़की कौन है और यहाँ पर ये कौन है बताओ गाइस ये रे मेरे मम्मी पापा मेरी मम्मी के शादी का पोज देख रहे हो कुछ ये था इधर दिखाना दी और ये रही मेरी मम्मी जी का पोज ये मेरी मम्मी पापा जी ये देखो पहले की दुल्हन ऐसे होती थी ये देखो क्या लगा रखा मेरी मम्मी ने कुमकुम और ये कालिंका मंदिर है पीछे से पता पहले ऐसे था कलर कालिंका मंदिर का यहाँ पे आइसक्रीम भी आ गई है और अब देखो अब ऐसी है ये मैम पहले ऐसी थी और अब मम्मी जी ऐसी हैं ये हम तीनों हैं गाइस इनमें से मैं कौन सी हूँ आपने तो आप बोलोगे आपने आइसक्रीम खाने नहीं बुलाया तो आप भी आइसक्रीम खाने आ जाइए तो गाइस आइसक्रीम तो खा ली है पर देखो मम्मी की ना मांटिका देखो पहले कैसी थी मांटिका ये नथुली देखो कैसी थी कुछ इस टाइप की दुल्हन हुआ करती थी पहले ऐसी चुन्नी जो माता रानी को चढ़ाते वैसे चुन्नी है ये तो पहले उतना अच्छा ट्रेडिशनल नहीं था ना अब तो इतना देखो कैसी लग रही है फोटोज बहुत अच्छी पुरानी यादें ताजा हो गई ना मम्मी की शादी का दिन याद आ गया आ गया बैठी क्या बोल रहे मैं छोड़ बैठी मैं एग्जाम का पता नहीं कौन है मेरी मैं खो बैठी था हमन के गन दुल्हन शर्मा गई तो ये फोटोज मैंने अगस्त में दीदी बनवाने के लिए दुल्हन बनी थी मैं उस दिन आज यहां देखो तो साड़ी के जोड़े में बैंगनी चूड़ी पहन रखी है ये बात की है रे कि फोटो है जब रस्म हो गई थी सुधी हां अरे शादी के दिन की फोटो नहीं है ना लो शादी दिन है मतलब ये शादी के दिन की फोटो नहीं है ये बात की जब दीदी हो गई थी तब की फोटो है ओह माय गॉड पूरे 25 साल हो गए मेरी मम्मी की शादी को तो दोस्तों अभी धूप भी मतलब सूर्यास्त भी हो चुका है धूप सूर्यास्त वैसे तो जल्दी हो जाता है 5:30 बजे तक उसके बाद ही हम बाहर निकलते हैं और ना इतनी गर्मी हो गई है धुंध हो गई है चारों तरफ यहाँ देखो पूरी केदारनाथ साइड भी धुंध हो गई है दिख भी नहीं रहा है उधर की चोटियाँ दिख भी नहीं रही चारों तरफ पूरी धुंध हो गई है कुछ नहीं दिख रहा इधर तो हमारा उखीमठ दिख रहा है निपासी में इसलिए उधर की साइड दिख नहीं रहा है एंडोगली एमेडोगू दोस्तों अभी हम छत में घूम रहे हैं मस्त हवा का आनंद ले रहे हैं इसके बाद मम्मी पानी के लिए भी जाएगी तो पानी तो है नहीं जाना पड़ेगा घर अंदर जो पानी है ना वो उबल सच में उबल रहा है इतनी मतलब अभी मैंने टंकी में थोड़ा सा पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली उसमें से इतनी गंदी मतलब गर्म हवा आ रही थी बोल सकते हो गर्म भाप आ रहा था हाँ तो अभी हम अभी दीदी को ठीक से नहीं मिला दीदी हेलो बोल के रात हो जाएगी रात में इतनी सुंदर तो ये आएगी नहीं देख रहे हो फिर आप बोलते दीदी से मिला मेरी दीदी ऐसी है ब्लॉग में आती नहीं है ये और भाई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे और पापा और मम्मी ने तो बोल दिया है कि अब तो इसने हमें परेशान करना ही है आ ही जाते हैं यहाँ देखो दोस्तों धूप की किरणें कैसी दिख रही हैं
तो अभी मैं पानी के लिए जाऊंगी और इस पर लूंगी पानी, इस पर लाऊंगी मतलब पानी, और कल तक मम्मी लाती थी इस पर पानी, पर आज मैं लाऊंगी। थोड़ा भारी तो होता है ये, बट कोई नहीं क्योंकि मम्मी का पाँव मुड़ गया ना। तो अभी चलते हैं पानी के लिए, और कैमरा नहीं ले जाऊँगी क्योंकि कैमरा ले जाऊँगी तो पानी के लिए लाऊँगी।